ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। कुर्बानियों और कोशिशों से वजूद में आने वाला मुल्क पाकिस्तान अपने कयाम के फकत 24 साल बाद ही दोलख्त हो गया। सकूते ढाका तारीख पाकिस्तान का वो बाब है जो आज 40 बरस गुजरने के बाद भी अलमनाक याद की तरह जहनों में ताजा है। अगरचा पाकिस्तान के मशरकी बाजू के कटने में हिंदुस्तान की चाल और दुश्मनी शामिल थी, लेकिन दर हकीकत रियासत के अंदर मौजूद सियासी, समाजी और मुआशी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मशरकी पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल इस हद तक जा पहुंचा कि वहां के बसने वाले लोगों ने एक तहरीक चलाई। मुल्क की अंदरूनी सियासत में जारी कशीदगी के दूसरी जानब मशरकी पाकिस्तान में लड़ने वाली फौज भी मुल्क को ना बचा सकी। और यूं पाकिस्तान के लिए एक कयामत बरपा हो गई जब जनरल नियाजी ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए। हमने बहैसियत कौम और मुल्क इस सानहे से क्या सीखा?